नमस्कार दोस्तों, डेनिस में आपको स्वागत है और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, मेरा नाम नीतीश कुमार पटेल है और मैं आपके सामने बीएससी थर्ड सेमेस्टर ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स रन करा रहा हूँ, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि हम स्टार्टिंग 6 यूनिट से किए हैं और आज जो है इस 6 यूनिट का जो पार्ट बी है, पार्ट ए तो है नहीं, पार्ट बी है और ये जो है लेक्चर 5 है और इस टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट होगा। ठीक है, मेरी तरफ से लास्ट होगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन आप खुद बनाइए, कहीं डाउट हो तो उससे मुझे डिस्कस करिए, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि भाई आपको इतना बता दिया है कि उसके अलावा कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज जो हम चीजें सीखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ये वो चीज है जो जब एग्जामिनर को लगता है कि अब मुझे पेपर टफ बनाना है इस यूनिट से, इस चैप्टर से अगर मुझे टफ क्वेश्चन लेकर आना है तो वो यहाँ से लेकर आएगा। आने के चांसेस बहुत कम है, 20-30% ही आने के चांसेस हैं इधर से, जो अभी इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आ सकता है, तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी जो टॉपिक आपके सामने जो डिस्कस करूँ तो उसका कोई भी चीज छूटे ना। अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास चीजें हैं, जो भी बच्चे उनको स्टार्टिंग से देख रहे हैं कम से कम उनको ये बेनिफिट हो कि वो हमें देख रहे हैं तो उनको कई सारी चीजें फायदा मिले, तो हम उनको फायदा देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा 6, ये हमारा 5वां लेक्चर है, ये हमारा यूनिट 6 है, शुरुआत भी इसी से किए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों का इतना अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब भी हमारे वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देखें तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे उस कमेंट को और भी लोग देखें। आपको अगर कमी भी, अगर आपको कमियां भी लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब गुड थिंग्स ही लिखे, आप उसमें बैड थिंग्स भी लिख सकते हैं कि सर आपने ये सुधार करनी चाहिए, आपने ये चीजों को देखना चाहिए, ये चीजें, तो आप मुझे जरूर बताएं जिससे कि हम उस पर काम करें। आपके लिए मैं दिन रात आपके लिए एक तरफ से ये सोचता हूँ, क्योंकि एक चीज को अगर मुझे बनाना पड़ता है तो मैं इस पे काफी काफी ढंग का वर्क करता हूँ, काफी ढंग से इस पे सोचता हूँ, मैं आपको कैसे बताऊं, किस तरीके से बताऊं। ठीक है, और उसमें भी अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे और सुधार करना तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फंडामेंटल थ्योरम है पीरियोडिक फंक्शन, किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन, देखिए ये बोल क्या रहा है, पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। क्या करना है, पीरियोडिक फंक्शन का, ये एफ ऑफ टी जो है ना, एफ ऑफ टी हमारा क्या, पीरियोडिक फंक्शन है। एफ ऑफ टी हमारा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे क्लास 12th में जब आप थी तो उस समय आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जिसमें आपने वर्मन फंक्शन पढ़ा था, आंटो फंक्शन पढ़ा था, मेनीमन पढ़ा था। ठीक है, मेनीमन पढ़ा, मतलब उसमें ही एक फंक्शन था पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। कॉस फंक्शन भी क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। टैन भी फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन पीरियोडिक ही होते हैं। क्यों होते हैं पीरियोडिक, क्योंकि वो अपने नेचर को कुछ स्टेप के बाद फिर वो रिपीट करने लगते हैं, समझ रहे हैं। जैसे साइन पी, जैसे साइन जो फंक्शन होता है उसका जो कह सकते हैं जो पीरियोडिक जो होता है वो 2π होता है। 2π के बाद वो फिर अपने नेचर को चेंज एकदम जैसे दोहराने लगता है, मतलब अपनी चीजों को दोहराने लगता है, समझ रहे हैं ना, दोहराने लगता है। दोहराना जिसको बोलते हैं, दोहराना मतलब जिसको बोलते हैं, मतलब दोहराने वाली बात है। जैसे आपने देखा होगा कि इसी भारत में अगर आप रह रहे हैं तो आपको ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी, मतलब पहले ठंडी आती है फिर उसके बाद गर्मी आती है फिर बरसात आती है, ऐसे ही ऐसे शेड्यूल बना हुआ है। या फिर आप ऐसे जोड़िए कि पहले गर्मी आती है फिर बरसात आती है फिर ठंडी आती है, तो फिर ये अगले साल फिर दोहराने लगता है कि नहीं आता है, तो 3-3-4 महीने के बाद ही अपने आप चीजों को रिमाइंडर, मतलब वो करने लगता है और दोहराने लगता है। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन बनाए गए हैं, सारे फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। वाई बराबर एक्स स्क्वायर हुआ, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स क्यूब हुआ, पॉलीनोमियल फंक्शन कोई भी पीरियोडिक होता ही नहीं है, मतलब सारे फंक्शन ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो पीरियोडिक बनाए गए, मतलब उनके नेचर कुछ समय बाद वो फिर से रिपीट करने लगते हैं। साइन फंक्शन को 2π इंटरवल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो अपनी नेचर को फिर से रिपीट करता है। जैसे साइन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने, अगर मैं साइन फंक्शन का अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ और आप देखेंगे कि देखिए अपने नेचर को फिर चेंज करेगा यहाँ से। ठीक है, जैसे साइन फंक्शन आपके सामने मैंने लिया, ठीक है, आप देख सकते हैं साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं साइन फंक्शन का क्या होता है, ग्राफ होता है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इधर भी जाता है, तो यहाँ से मैंने 0 है और यहाँ से क्या है पाई है और यहाँ से क्या है 2π है, यहाँ तक आता है। ठीक है, 0 है, पाई है, 2π है, लेकिन इसके बाद जैसे 0 से π के बीच, 0 से 2π रेंज के बीच में अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद फिर यही नेचर वो फिर से दोहराने लगता है, समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है। मतलब 0 से π वाला जो नेचर है वही फिर आगे आपको दिखने लगेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही आगे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, मतलब आप भले ही आप आगे बढ़ रहे लेकिन नेचर उसका फिर से वही रिपीट होने लगता है, यहाँ से यहाँ के बाद वो फिर नेचर को रिपीट करने लगता है, मतलब 2π इंटरवल के बाद
वो फिर जब नए नेचर को रिपीट करने लगता है, इसका मतलब कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि पीरियोडिक है, और उस टाइप के फंक्शन का अगर उसका मुझे पीरियड पता है तो उस टाइप के फंक्शन का हम अगर हम लाप्लास निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो देखिए आपके सामने डिफिनेशन यहाँ पे है और इसका प्रूफ भी हम आपके सामने करेंगे। बोला है क्या है कि एफ ऑफ टी हमारा क्या पीरियडिक फंक्शन है, एफ ऑफ टी हमारा क्या पीरियडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड क्या है ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, पीरियड जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे लिया गया है, जिसका पीरियड क्या है ग्रेटर देन जीरो लिया गया है। दैट इज अब जैसे टी है तो इसका मतलब एफ ऑफ यू प्लस टी बराबर एफ ऑफ यू ही होगा, क्योंकि टी के बाद अपना नेचर चेंज करने लगता है। एफ ऑफ यू प्लस टू टी भी क्या होगा एफ ऑफ यू ही होगा, एफ ऑफ यू प्लस थ्री टी क्या होगा वो भी यू। मतलब जैसे साइन फंक्शन को ले लीजिए ना, साइन जो भी है जैसे साइन साइन जो भी है वो पाई इंटरवल के बाद अपने नेचर को चेंज, मतलब टू पाई नेचर, मतलब साइन अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे साइन टू पाई प्लस थीटा की वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, टू पाई समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर फोर पाई अगर मैं आपसे बोलूंगा कि साइन फोर पाई प्लस थीटा की वैल्यू, तो आप बताएं कि साइन थीटा ही होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये मेरा कहना है कि पीरियोडिक फंक्शन जो होता है अपने नेचर को दोहराते हैं, अपने नेचर को क्या करते हैं दोहराते हैं। ठीक है ना, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो अपने नेचर को दोहराते हैं। ठीक है, यही आपको जानना है और यही आपको समझना है यहाँ पे, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है अपने नेचर को दोहराते हैं, और यही इसी ऐसे फंक्शन जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनका अगर मुझे लाप्लास फाइंड करना है तो हाउ टू फाइंड, हम कैसे फाइंड करेंगे उसका। तो आइए देखिए, उसका जो लाप्लास होता है वो जीरो टू टी होता है, एक पर माइनस पी टी होता है, एफ ऑफ टी होता है डी टी होता है, और यह होता है एक पर वन माइनस एक पर माइनस पी टी होता है। समझ रहे हैं, वन माइनस एक पर माइनस पी टी होता है। अरे भाई ये टी स्मॉल टी कैसे हो गया, कैपिटल टी होगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल टी नहीं हुआ कैपिटल होगा, कैपिटल टी कर लीजिएगा, स्मॉल टी नहीं होगा कैपिटल टी होगा। ठीक है, वन माइनस ए की पावर माइनस पी टी होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, देन हाउ टू प्रूफ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा आप देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसका प्रूफ देखिए कैसे हम इसको करते हैं। देखिए आप बताइए एल एफ ऑफ टी का डिफिनेशन एक्चुअली में होता क्या है। एल एफ टी का डिफिनेशन होता है जीरो टू इन्फिनिटी होता है, आई की पर क्या होता है माइनस का पी टी होता है, और क्या होता है फिर एफ ऑफ टी होता है, और फिर क्या होता है डी टी होता है कि नहीं होता है। आपको टाइम पीरियड पता है, मतलब जो उसका पीरियड कितना टी है, तो आप इस जीरो से इन्फिनिटी को आप ऐसे तोड़िए, जीरो से टी लिखिएगा, ई की पर माइनस का पी टी लिखिएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे एफ ऑफ टी लिखेंगे, और यहाँ से डी टी लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर टी है, फिर आप लिखेंगे टी से टू टी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे एक बार माइनस का पी टी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे एफ ऑफ टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी टी। मैं इसको हटाते रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको बस समझने के लिए था, आप इसको समझ गए तो ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से मैं एक और लिखना चाहता हूँ, फिर टू टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे थ्री टी लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे माइनस का पी टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे एफ ऑफ टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट लास्ट में जो जाएगा मतलब इन्फिनिटी जा रहा है, तो लास्ट वाला जो लिखेंगे वो हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो इस तरह से हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले में भाई जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस तरह से जाते 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 जाएगा वो। ठीक है ना, अब ये हमें करना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो t है ना, देखिए जीरो से t है, लेकिन यहाँ जीरो से t नहीं है, यहाँ भी जीरो से t नहीं है, तो आप एक काम करिए, यहाँ जो स्मॉल यहाँ इंटीग्रेशन को हमको जीरो से t बनाना है, तो फर्स्ट इंटीग्रल ये हुआ, लेकिन सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, तो सेकंड इंटीग्रेशन को हमको जीरो से t बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि जीरो से t यहाँ पे आया है, तो जीरो से टी है तो है, लेकिन ये तो जीरो से टी नहीं है ना, तो जीरो से टी बनाने के लिए हम क्या करते हैं स्मॉल टी को चेंज करते हैं, स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी प्लस यू, मतलब ये वाला लिमिट वाला ये लेते हैं। ठीक है, यू प्लस टी, यू प्लस टू टी ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं लिखूंगा यहाँ से। ठीक है, पुट 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 टी बराबर यू प्लस टी, ठीक है, टी बराबर यू प्लस टू टी, टी बराबर यू प्लस थ्री टी प्लस डॉट 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 इन सेकेंड से शुरू करेंगे, कहां से सेकेंड से, इन सेकेंड सेकेंड थर्ड डॉट 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 इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा सेकेंड थर्ड इंटीग्रल में ही पुट करेंगे, सब में पुट नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले में पुट नहीं करेंगे, तो फर्स्ट वाला तो यही रहेगा जीरो टू टी ई की पावर माइनस पी टी। अब ध्यान से एक बात ध्यान से देखना, तो यहाँ से जो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट भी देखिएगा, लिमिट भी कैसे लिखते हैं। अच्छा, डी टी बराबर तो डी यू हो जाएगा, मतलब डी टी बराबर तो क्या हो जाएगा, डी टी बराबर तो डी यू हो जाएगा ना, मतलब डी यू बराबर तो डी यू हो जाएगा, यहाँ से भी डी टी बराबर क्या मिलेगा,
आपको DU ही मिलेगा, हर जगह आपको वही मिलेगा। अच्छा लिमिट की अगर बात करें, या लिमिट की बात करेंगे तो अगर हम लिमिट की बात करें तो U बराबर क्या होगा, 0 to U बराबर क्या मिलेगा, T मिलेगा। ध्यान दीजिए देखिए, अब क्यों मिलेगा, सेकंड में आपको पुट कर रहे हैं ना, T बराबर U प्लस T किस में पुट कर रहे हैं, सेकंड में पुट कर रहे हैं, सेकंड। तो ये लिमिट किसकी है, तो T की ही लिमिट है ना, और ये भी लिमिट किसकी, T की लिमिट है ना। जब T बराबर हम T लेंगे तो U बराबर कितना मिलेगा, ध्यान से देखिए, जब T बराबर आप T लेंगे, जब T बराबर आप मतलब T बराबर आप कैपिटल T लेंगे तो U बराबर 0 मिलेगा, और जब T बराबर स्मॉल T बराबर 2T लेंगे तो U बराबर क्या मिलेगा, T मिलेगा। उधर से सबट्रैक्ट हो जाए ना, उधर 2T है और ये उधर जाएगा तो T हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी U बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, U बराबर T भी। इसीलिए तो हम ऐसा माने हैं, इसीलिए तो हम ऐसा माने हैं कि हम यही बनाए, सब में वही लिमिट चलेगा। तो अब जो इंटीग्रेशन जो होगा वो आप चेंज हो जाएगा, जो आप लिख रहे थे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का pt, और यहाँ से जो आप लिख रहे थे f of dt, जो आप लिख रहे थे उसको आप लिखेंगे 0 से t लिखेंगे और e की पावर माइनस का pt लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और dt होगा यहाँ से, फर्स्ट वाला तो यही होगा, सेकंड वाला को अगर ध्यान से तो 0 से t ही होगा, e की पावर माइनस p होगा, और t की जगह पे क्या करेंगे, u प्लस कैपिटल t डालेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, du लिखेंगे, क्योंकि dt वो चेंज हो जाएगा। फिर अगले वाले में देखेंगे तो वो भी 0 से t ही रहेगा, लेकिन e की पावर माइनस p ब्रैकेट में u प्लस 2t हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से तो du ही होगा, समझ रहे हैं। अब फिर अगले में इसी तरीके से हम चलेंगे, सब में हम इसी तरीके से करेंगे, प्लस डॉट 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 आप कर लीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक पता है, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से t लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ e की पावर माइनस का पी यू कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, e की पावर माइनस का पी यू कर सकते हैं, और यहाँ से मैं एफ ऑफ यू और du हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में आपने डेफिनेट इंटीग्रल का आपने लिमिट पढ़ा था, वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ 0 से t है ना, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करिए, e की पावर माइनस का पी यू इंटू e की पावर माइनस का pt हो जाएगा, और यहाँ से तो du ही रहेगा, यहाँ से देखिए 0 से t होगा, e की पावर माइनस का pu इंटू e की पावर माइनस का 2pt हो जाएगा, समझ रहे हैं, हाँ 2pt हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से du होगा, प्लस डॉट 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 इस तरीके से होगा। अब मैं इसको कॉमन लेना चाहता हूँ, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से t होगा, e की पावर माइनस का pu, और यहाँ से क्या होगा, f ऑफ u, अच्छा f ऑफ u छूट रहा है क्या, हाँ यहाँ से देखिए f ऑफ u छूट रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से f ऑफ u छूट रहा है, मैं वही कह रहा, कुछ तो छूट रहा है, यहाँ से देखिए f ऑफ t है ना, इस t की जगह पे भी हमको रखना है, सॉरी यहाँ से देखिए छूट रहा है हमारा, फिर मैं कह रहा हूँ कुछ तो है जो गड़बड़ हो रहा है, हाँ 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 f ऑफ u हमारा छूट रहा है यहाँ से, f ऑफ u प्लस t और du ये होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, f ऑफ u प्लस 2t होगा, और क्या मिलेगा, du मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। एक स्टेप हमने छोड़ा है तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, एफ ऑफ यू प्लस टी, ध्यान दीजिएगा एक स्टेप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू प्लस टी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं यही हटा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं लिखूंगा, देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, देखिए एफ ऑफ यू प्लस टी अगर आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यू प्लस टी बराबर तो एफ ऑफ यू है, एफ ऑफ यू प्लस टू टी बराबर एफ ऑफ यू ही है, हर जगह एफ ऑफ यू ही आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो क्या यहाँ पे मैं एफ ऑफ यू लिख सकता हूँ, एफ ऑफ यू और डी यू लिख सकता हूँ, और यहाँ से बताइए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0 से t e के पावर माइनस का pu इंटू के पावर माइनस का 2pt लिख सकते हैं, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f ऑफ u लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ du लिख सकता हूँ कि नहीं, ये f ऑफ u ही तो होगा, जैसे ये f ऑफ u है वैसे ये भी f ऑफ u ही होगा, ये तो श्योर है ना, यहाँ तो ये तो क्लियर है ना, f ऑफ u होगा, क्योंकि u प्लस 2t तो f ऑफ u ही होता है, ये तो बात सही है। अब प्लस क्या लिखेंगे, डॉट 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 हम लिखते जाएंगे, ठीक है, यहाँ तो सही है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से तो ठीक है, वेरिएबल को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन ये जो लिमिट है ये u का लिमिट है, तो ये तो कॉन्स्टेंट होगा ना, तो मैं इसको बाहर ले ले रहा हूँ, तो अगर मैंने इसको कॉन्स्टेंट अगर मैंने बाहर ले लिया, तो e के ऊपर माइनस का pt मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से मैंने 0 से t लिखा, e के ऊपर माइनस का pu लिखा, और यहाँ से मैंने क्या लिखा, f of u लिखा, और मैंने क्या लिखा, du लिखा, यहाँ से देख सकते हैं e के ऊपर माइनस का
2PT मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से जीरो से टी लिखा और यहाँ से एक बार माइनस का PU लिखा और यहाँ मैंने क्या लिखा एफ ऑफ यू लिखा और मैंने यहाँ क्या लिखा DU लिखा प्लस डॉट डॉट डॉट, हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक अगर आपको चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं करना है, सभी चीज में ये जो इंटीग्रेशन है ना वो कॉमन मिल जाएगा। तो मैं इसको कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, आप देख सकते हैं यहाँ जो बचेगा वन बचेगा, यहाँ e की पावर क्या मिलेगा e की पावर माइनस का पी, e की पावर माइनस का पी टी मिलेगा, आप देख सकते हैं e की पावर माइनस का क्या मिलेगा पी टी मिलेगा और यहाँ से मिलेगा प्लस e की पावर माइनस का 2PT मिलेगा प्लस e की पावर माइनस का 3PT मिलेगा प्लस डॉट 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 मिलेगा, ये मिलेगा, समझ रहे हैं इतना मिलेगा कि नहीं, इतना मिलेगा। और इन यहाँ से देख सकते हैं इंटीग्रेशन में जीरो से टी मिलेगा e की पावर माइनस का पी यू मिलेगा, आप देख सकते हैं e की पावर माइनस, ये भाई गजब गजब का कलर कलर चेंज हो रहा है, भाई मैं कह रहा हूँ कि गड़बड़ क्यों हो रहा है, ठीक है e की पावर माइनस का क्या मिलेगा e की पावर माइनस का पी यू मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा एफ ऑफ यू मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा डी यू मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आया, इतनी बातें आपको क्लियर है, इतनी बातें समझ में आएगी नहीं आपको, ठीक है चल बहुत अच्छी बात है, इतनी बातें अगर आपको समझ में आया है तो इतना मिलेगा। अब ये देख सकते हैं वन, देखिए एक फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, मैं ये लिख रहा हूँ सिंस वन प्लस एक्स या फिर वन माइनस एक्स लिखिए, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का फॉर्मूला तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये होता है फॉर्मूला। इसको देख सकते हैं अगर मैं एक्स की जगह पे डाल दू ए की पावर माइनस पी टी तो वन तो ये है और एक्स की जगह पे ये है और एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे ए की पावर माइनस पी टी का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस पी टी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, e की पावर माइनस पी टी का होल क्यूब आप इसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं लिखूंगा वन प्लस e की मतलब वन माइनस e की पावर माइनस का पी टी में लिख सकता हूँ, पावर कितना लिखूंगा माइनस वन डालूंगा और इंटीग्रेशन डालूंगा जीरो से टी डालेंगे e की पावर माइनस का पी यू डालेंगे और यहाँ से क्या डालेंगे एफ ऑफ यू डालेंगे और यहाँ से क्या डालेंगे डी यू डालेंगे, इसको नीचे डाल देंगे, जब आप नीचे डालेंगे तो आप लिखेंगे जीरो से टी डालेंगे ई के पावर माइनस का पी यू डालेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे एफ ऑफ यू लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे डी यू लिखेंगे, अब पूरी बटा क्या लिखेंगे वन माइनस ई के पावर माइनस का पी टी नीचे आएगा ना, ये लिख सकते हैं। अब वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, आप लिख सकते हैं जीरो से टी लिख सकते हैं, जो वेरिएबल में आपको प्रूव करना वो वेरिएबल यूज करिए, कौन सा वेरिएबल में आपको लेना है, आपको लेना है क्या e की पावर माइनस पी टी बोला है तो आप पी टी यूज करिए, एफ ऑफ टी डी टी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू की जगह पे टी आप यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा e की जगह पे आप यू, लेकिन ये टी नहीं है, कैपिटल नहीं है, पहले में जो वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं भी तो वो नहीं कर रहा, मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, तो वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं माइनस का पी टी कर सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं एफ ऑफ टी कर सकते हैं और यहाँ से डी टी कर सकते हैं, पूरे के पटा लिखेंगे वन माइनस e की पावर माइनस का पी टी, पी टी ये कैपिटल होगा, ध्यान दीजिएगा ये जो फॉर्मूला जो लाए हैं वो एल किसका लाए हैं एफ ऑफ टी का लाए हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्लियर है, ये वो फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने प्रूव किया है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, अगर हमको क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, समझ रहे हैं। तो ये वो फंक्शन है जब आप लोग पीरियोडिक फंक्शन जो होता है उसका ये चीज, बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने ये रखा गया, बस आपको समझना है, ऐसे में बहुत सारी चीजें आपके सामने रखूंगा जो आपको समझना है जानना है, अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको समझा दूंगा और मैंने समझा तो फिर आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए, द साइन इंटीग्रल फंक्शन देखिए आपके सामने है, याद रखिएगा द साइन इंटीग्रल फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं जीरो से टी साइन यू बाई यू और डी यू, ये साइन फंक्शन का ये नोटेशन होता है, क्या होता है ये साइन फंक्शन का क्या होता है नोटेशन होता है, याद रखिए साइन फंक्शन इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं साइन फंक्शन एस आई टी, ये डिनोट करता है। देखिए लाप्लास इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे हैं जैसे साइन इंटीग्रल, जैसे साइन इंटीग्रल डिफाइन किया गया है इसी के तरीके से इरर फंक्शन है, फिर कंप्लीमेंट्री ऑफ इनर फंक्शन आएगा, फिर इसी बेसिस फंक्शन आएगा, मतलब इस तरीके जो फंक्शन है इस तरीके के फंक्शन का हम लाप्लास निकाल सकते हैं ये बताया गया। तो याद रखिएगा साइन इंटीग्रल जो होता है वो यही होता है, साइन इंटीग्रल किसको बोलते हैं SIT बोलते हैं और यहां से 0 से t तक sin u / u और du, इसका आपको लाप्लास अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, एक क्वेश्चन आता है यहां पे कि l
SIT अगर आपसे बोला गया है तो आप कैसे निकालेंगे, LSIT मान लीजिए आपसे बोल दिया गया तो आप कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। और यही मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूँ कि भाई इसका लाप्लास क्या होगा, मतलब साइन फंक्शन का, साइन इंटीग्रल का। साइन फंक्शन नहीं, साइन फंक्शन तो साइन होता है, लेकिन साइन इंटीग्रल जो था वो ये होता है। साइन फंक्शन एंड साइन इंटीग्रल में डिफरेंस होता है। क्लास 11th में जो साइन कॉस टैन आपने पढ़ा था वो साइन फंक्शन होता था, नॉट साइन इंटीग्रल। लेकिन ये जो होता है साइन इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल साइन में डिफाइन किया गया। ठीक है, आइए तो इसको डिफाइन करते हैं, अब इसका प्रूफ करते हैं, फिर इवन फंक्शन का भी निकालेंगे। ठीक है, तो साइन फंक्शन देखिए अपने प्रूफ का फर्स्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, साइन इंटीग्रल देखिए फर्स्ट वाला जो ना साइन इंटीग्रल, साइन इंटीग्रल, साइन इंटीग्रल की बात कर रहा है। साइन इंटीग्रल जो होता है वो आपने अभी बताया कि SIT जो होता है आपने लिखा जीरो। ठीक है, क्या लिखा भाई, जीरो से टी, क्या लिखा, जीरो से टी लिखा, और यहाँ से क्या लिखा, साइन यू लिखा, बाई यू लिखा, और यहाँ से क्या लिखा, डी यू लिखा, लिखा ये। अब साइन एस का जो फंक्शन होता है वो आपको पता है, अगर आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं जीरो से टी लिख सकते हैं इसको, इसको भी लिख सकते हैं साइन यू का जो एक्सपेंशन था वो यू होता है, यू के पावर 3/3 फैक्टोरियल होता है, यू के पावर 5/5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है, माइनस होता है, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब बटा क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी यू लिखेंगे, लिखेंगे नहीं भाई, डी यू लिखेंगे यहाँ से, इंटू डी यू लिखेंगे यहाँ से। यू से डिवाइड अगर करते हैं तो जीरो से क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ यू स्क्वायर बटा 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ यू के पावर 4 लिखेंगे बटा 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, और माइनस ऐसे लिखेंगे, और बाहर क्या लिखेंगे भाई, du लिखेंगे कि नहीं। इसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है, यहाँ u होगा, यहाँ माइनस u के पावर 3/3 इनटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, u के पावर 4, u के पावर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u के पावर कितना हो जाएगा, 5/5 इनटू क्या होगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ऐसे माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, और लिमिट क्या डालेंगे, 0 से t डालेंगे, जब t डालेंगे तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, t होगा माइनस टी की पावर 3/3 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस टी की पावर 5 हो जाएगा, 5/5 फैक्टोरियल हो जाएगा, डॉट डॉट जीरो डालेंगे जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो SIT है एक्चुअली में ये इतना है, SIT जो है एक्चुअली में इतना, टी माइनस का टी की पावर 3, ध्यान से देख सकते हैं, टी माइनस टी की पावर 3 इस तरीके से है ये। ठीक है ना, यहाँ से इस तरीके से बन गया। अब इनका अगर आपको लाप्लास अगर आपको फाइंड करना है तो मैं कैसे लाप्लास निकालूंगा, तो मैं आपसे बोलूंगा LSIT जो होता है वो क्या होगा, तो सब जगह L ले लेंगे, तो आप बोलेंगे LT लिखेंगे, माइनस यहाँ से क्या करेंगे, L टी की पावर 3 बटा क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे L टी की पावर 5/5 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, इसी तरीके से माइनस हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, अब LT का जो होता है वो अभी कल मैंने बताया था 1/p² होता है, इसका करेंगे क्या करेंगे, मतलब 3 फैक्टोरियल लिखेंगे और बटे कितना लिखेंगे, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू पी की पावर 4 लिखेंगे, सही है ना, 3 फैक्टोरियल में लिखेंगे तब, और प्लस यहाँ से क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, अब बटे क्या लिखेंगे भाई, 5/5 इंटू पी की पावर 6 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, तो ऐसे से लिखेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे ऐसे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इससे कट जाएगा फैक्टोरियल वाला, इससे कट जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा, तब मिलेगा 1/p² मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, -1/3 पी की पावर 4 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, +1/5 पी की पावर 6 मिलेगा, और ऐसे से हमको मिलता जाएगा। दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन इंटीग्रल फंक्शन, समझ रहे हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये tan इनवर्स p का सीरीज होता है, अगर मैं इसमें से 1/p अगर कॉमन ले लेता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मैं p कॉमन ले लेता हूं तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, 1/p -1/3 p की पावर 3 मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, 1/5, और p की पावर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और ऐसे ऐसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली में जो सीरीज होता है ना, ये सीरीज आपका tan इनवर्स 1/p का ये बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बनता है 1/p बनता है इनटू क्या बनता है, tan इनवर्स 1/p, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स 1/p का जो एक्सपेंशन होता है वो यही होता है 1/p -1/3 p की पावर 3 माइनस प्लस होता है 1/5 पी की पावर 5, इसको बोलते हैं, ये जो एक्सपेंशन बनता है इसको बोलते हैं ग्रेगरी सीरीज। क्या बोलते हैं, ये ग्रेगरी सीरीज है, tan इनवर्स 1/p जो आता है ना बाई ग्रेगरी सीरीज से आया है, किससे आया है, ग्रेगरी सीरीज से आया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और यही बस इसमें लास्ट में है, नहीं समझ में आता तो इतने छोड़ दीजिए, उतना ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इतना लिखने का, लेकिन ये जो होता है ग्रेगरी सीरीज से आता है, tan इनवर्स 1/p बराबर होता है ये एक्सपेंशन, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगरी सीरीज से आया हुआ है। क्या ये समझ में आया आपको,
वन बाई पी टेन इनवर्स वन बाई पी, क्या साइन इंटीग्रल का आप लाप्लास निकाल पाएंगे? क्या आपको याद रहेगा? आपको याद रहेगा वन बाई पी टेन इनवर्स वन बाई पी होता है, साइन इंटीग्रल फंक्शन का एमसीक्यू में भी बनता है, और इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसी का सेकेंड पार्ट से देखेंगे, क्या है, एरर फंक्शन है। एरर फंक्शन को देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, ER रूट थ्री इज डिफाइंड बाई, देखिए टू अपॉन रूट बाई जीरो टू रूट थ्री है, e के ऊपर माइनस का यू स्क्वायर डी यू है, ये आपका एरर फंक्शन है, इसको आपको डिफाइन करना है, मतलब ये डिफाइन नहीं करना है तो डिफाइन है ही, इसका आपको लाप्लास फाइंड करना है, मतलब एल ई आर एरर फंक्शन देखिए कैसे डिफाइन किया है, एरर फंक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे, हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी सिंपल है, ये ध्यान कि ERF है, ERF ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे आप ERF ध्यान से देखिएगा, तो ERF देखिए डिफाइन किया गया है, ERF रूट में टी का जो डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है भाई, आप देख सकते हैं आपके सामने डिफाइन किया गया है टू अपॉन रूट पाई, टू अपॉन रूट पाई, ध्यान दीजिएगा, तो टू अपॉन क्या लिखेंगे, रूट पाई लिखेंगे, टू अपॉन रूट पाई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जीरो टू रूट टी, जीरो टू रूट टी लिखेंगे, जीरो टू रूट टी लिखेंगे, e के पावर माइनस यू स्क्वायर, e के पावर क्या लिखेंगे, e के पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू लिखेंगे, e के पावर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे डी यू, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एरर फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ है, ये एरर फंक्शन डिफाइन किया गया, आपको इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, ये डिफाइन किया गया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद ही करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है, क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं, ये एरर फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है। आइए e की पावर x का एक्सपेंशन लगाइएगा, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 plus x, 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x power 3 by 3 factorial, लेकिन 1 e की पावर minus x होता है 1 minus x plus होता है, मतलब plus minus का alternate चलता है, वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 अपॉन रूट पाई लिखेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे, रूट टी डालेंगे, रूट टी डालेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 से शुरू हो जाएगा, 1 माइनस होता है x, x का पे क्या है u स्क्वायर है, ठीक है ना, 1 माइनस x प्लस क्या लिखेंगे x स्क्वायर, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर, तो u के u स्क्वायर का स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल माइनस u के पावर u स्क्वायर के पावर कितना लिखेंगे 3 बटे क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे ऐसे ऐसे लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे du लिखेंगे, समझ में आया। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, मेन इंटीग्रेशन है, आप इंटीग्रेट करिए इसको, जीरो से रूट टी डालेंगे, यहाँ से देखेंगे तो 1 यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ से u स्क्वायर डालेंगे, यहाँ प्लस u के पावर 4 बटा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ से माइनस u की पावर 6 बटा 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैं du लिखूंगा, ठीक है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो मैं लिखूंगा 2 अपॉन रूट में पाई लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है u, और यहाँ से क्या करेंगे u की पावर 3 बटे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब 3 फैक्टोरियल कहाँ से आएगा, 3 होगा ना, केवल 3 होगा, u की पावर 3 बाई 3, और यहाँ से u की पावर 5 बाई क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 फैक्टोरियल यू के पावर 7 बाई 7 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। और लिमिट डालेंगे हम, लिमिट डालेंगे 0 से रूट टी डालेंगे, ठीक है, लिमिट हम क्या डालेंगे 0 से रूट टी, तो आइए रूट टी हम डालते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, जैसे रूट टी डालेंगे तो यहाँ से होगा 2 अपॉन रूट में पाई लिखेंगे, और यहाँ जब टी रूट टी डालेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं टी के पावर 1 बाई 2 होगा, रूट टी मतलब क्या टी के पावर 1 बाई 2, यहाँ डालेंगे तो क्या डालेंगे टी के पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो क्या डालेंगे प्लस t की पावर 5 बाई 2 अपॉन 5 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो क्या डालेंगे t की पावर 7 बाई 2 अपॉन क्या लिखेंगे 7 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, देखेंगे कि नहीं ऐसे से, ऐसे से लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के ये हमारा एक्चुअली में एरर फंक्शन है, ERF रूट टी जो आया है वो ये आया है, लेकिन इसका आपको लाप्लास फाइंड करना, तो चलिए लाप्लास भी फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ERF का लाप्लास लेंगे, ERF L E R F रूट टी जो होता है, ERF जो होता है ERF रूट टी, ठीक है ना, ERF रूट टू अपॉन रूट पाई क्या लिखेंगे, टू अपॉन
रूट पाई ही रहेगा, अंदर एल एल लेंगे, सबके साथ अलग अलग लगाएंगे, एल टी के पावर हाफ क्या लिखेंगे, एल टी के पावर हाफ लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, माइनस एल टी के पावर 3/2, एल टी के पावर 3/2 पूरे के बटा क्या लिखेंगे, जो भी है लिख लेंगे हम, यहाँ से 3 डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, ठीक है, टी की पावर 5/2 यहाँ से लिखेंगे, अगला यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे एल टी की पावर क्या लिखेंगे 5/2 अपॉन, फिर क्या लिखेंगे भाई 5 × 2 × क्या लिखेंगे 5 × 2 × लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे क्या लिखेंगे यहाँ से, एल टी की पावर 7/2, एल टी की पावर 7/2 अपॉन, ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखेंगे 7 × 3 × क्या लिखेंगे 7 × 3 × और यहाँ से प्लस डॉट डॉट डालेंगे, ठीक है, कुल मिला जुला के आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रन करेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ मैं लिखूंगा 2/√π लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया टी की पावर हाफ का मैंने आपको कल बताया था, जितना भी पावर होता है उसमें 1/2 हम ऐड कर देंगे, तो आप लिखेंगे गामा 1/2 + 1 अपॉन क्या लिखेंगे पी के पावर 3/2 लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, ठीक है, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे गामा में आप लिखेंगे 3/2 + 1 अपॉन क्या लिखेंगे 3 तो है ही इंटू पी के पावर 3/2 + 1 जो है ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो गामा में 5/2 + 1 और अपॉन क्या लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 2 × p^7/2 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो गामा में 7/2 + 1 अपॉन 7 × 3 × p^9/2 ऐसे रन करेगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो गामा में 1/2 जो होता है ना, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था गामा में n+1 जो होता है ना वो n गामा n होता है, याद रखिए ये सब पता है ना आपको, ये पता है ना, तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ से 2/√π तो लिखेंगे ही, अंदर देखिएगा यहाँ से 1/2 गामा में 1/2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से p के पावर क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, यहाँ देखिए 3/2 को बाहर लेंगे 3/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर गामा में 1/2 लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे 3 × p^5/2 लिखेंगे, लिखेंगे यहां देखिए क्या लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, फिर 3/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, और फिर गामा में क्या लिखेंगे, फिर गामा में क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे अपॉन क्या लिखेंगे 5 × 2 × p^7/2 लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे 7/2 लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे, और 3/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, गामा में 1/2 लिखेंगे, पूरे के बटा क्या लिखेंगे 7 × 3 × और p की पावर कितना लिखेंगे 9/2 लिखेंगे। अपने मेरा कहने का मतलब है कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहे परेशान मत होइए, अभी जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने पहले पढ़ा चुका है, जो बच्चे कैपेबल हैं जो समझ सकते हैं वो इसको समझें, और जिनको समझ में नहीं है ना बहुत ज्यादा परेशान मत हों, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपके बैक जो लेक्चर मैंने आपको जो 4 लेक्चर थे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी से मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आपको वही से आते हैं, इधर से इस वाले लेक्चर से बहुत कम आएंगे, मैंने आपको बताया 20-25% आने के चांसेस होते हैं, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर किसी को टफ अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो वो यहाँ से उठाएगा, जबकि टफ नहीं होता अगर आपको याद होगा तो फिर बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए गामा में 1/2 की जो वैल्यू होती है ना, जो गामा में 1/2 होता है वो किसके वैल्यू कितना होता है, वो रूट में पाई होता है, कितना होता है भाई गामा 1/2 वैल्यू कितना होता है रूट में पाई होता है, तो रूट में पाई यहाँ मिलेगा, रूट में पाई यहाँ मिलेगा, रूट में पाई हर जगह मिलेगा, सबको मैं बाहर लूंगा, तो आप लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे 2/√π लिखेंगे और बाहर क्या निकालेंगे रूट में पाई ही निकलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा देख सकते हैं तो 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 5, 5 से 5 कट जाएगा, कटने पिटने के बाद पता नहीं कैसा कैसा फॉर्मा बन जाता है, खैर बिल्कुल मिला जुला के ये हो जाता है, और होने के बाद जो बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं आपके सामने पी के पावर 3/2 भी कॉमन होगा वहां से, ठीक है, पी के पावर 3/2 भी कॉमन होगा, ये कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा यहाँ से, चलिए ठीक है यहाँ से ये कट जाएगा, अब पी के पावर 3/2 भी हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, आप देखिए मैं यहाँ से पी के पावर 3/2 को भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से तो 1/2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 के लिए 1/2 गामा 1/2 तो हम कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो 1/2 मिलेगा, ठीक है, मिलेगा कि नहीं 1/2, क्लियर है ना, अच्छा 1/2 भी कॉमन है क्या, देखिए सब लोग 1/2 भी कॉमन है क्या, तो आप इसको पूरा कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आप ऐसा करिए ना रूट में पाई बाई 2 पूरा कॉमन लीजिए, इसको भी कॉमन लीजिए, 2 इसको भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, मतलब रूट में पाई बाई
टू पी के पावर 3/2 मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो ये 202 ये भी काट दीजिएगा, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, आपने क्या क्या कॉमन लिया, ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 तो वैसे भी कट गया, आपने पूरा टर्म कॉमन लिया 1/2, ये पूरा कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, तो आप लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, और 3/2 कॉमन ले लिए हैं, तो 3/2 अगर कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, 3/2 मतलब पी मिलेगा, 1/2 क्या मिलेगा, 2p मिलेगा, समझ रहे हैं, और फिर प्लस मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, सही है। फिर अगले में जो आपको मिलेगा प्लस मिलेगा, ध्यान दीजिए आपने क्या क्या कॉमन लिया, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, और 3 3 तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, 3/2 मिलेगा, 3/2 लिए हैं, 1/2 ये पूरा चीज आपने कॉमन ले लिया है, लेकिन यहाँ से 2 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो 3/2 मिलेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से 1/2 भी मिलेगा आपको यहाँ से, और यहाँ से 1/p² मिलेगा, मतलब आपने 3/2 तो कॉमन लिया ही है, तो आप पी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है ना, पी स्क्वायर, तो आपको ये मिलेगा 3/2 1/2 और पी स्क्वायर मिलेगा, मतलब 3/2 1/3/4 मिलेगा, सॉरी 3/4 मिलेगा, 3/4 कहाँ से आया था, हाँ ये देखिए 3/4 है, सॉरी यहाँ से देखिए 1/2 करिएगा, फिर 3/4 करिएगा, ऐसे लिखिए, थोड़ा अरेंजमेंट बनाइए, कैसे बन रहा है वो देखिए, देखिए मैंने क्या किया, ये पूरा टर्म तो मैंने कॉमन लिया 1/2 गामा, देखिए 1/2 और गामा में 1/2 मैंने कॉमन लिया है, और पी के पावर 3/2 मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ तो चीजें यही पूरा चीज मैंने कॉमन लिया, सोचिए यहाँ पे 1 बचने का क्या मतलब हुआ, इस पूरे चीज को मैंने कॉमन लिया, अब ये पूरा चीज यहाँ ढूंढिए जो बचेगा वो लिखा, ये पूरा चीज यहाँ ढूंढिए जो बचेगा वो लिखा है मैंने, 1/2 लिखा, 3/4 × p² लिखा, 1/p². और अगले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 3 5 2 4 6 मिलेगा, ठीक है, अगले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 3 5 माइनस में लिखेगा, 1 लिखेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, मतलब आप ध्यान से देखेंगे 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, और नीचे मिलेगा 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा, 1/p, ये किसी का देखिए प्रसार बनेगा, 1/p के पावर 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/p के पावर 3 मिलेगा, यहाँ से 1/p के पावर 3 मिलेगा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ से, या प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा, ये एक्सपेंशन आप देखिए, ये किसी का एक्सपेंशन है, ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्सपेंशन मिलेगा 1 + 1/p के पावर 1/2 का एक्सपेंशन है, 1 + 1/2 1 + 1/2 1 + 1/2 1 + 1/2 1 + 1/2 1 + 1/2, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1 + ठीक है 1 + 1/p, ये जो एक्सपेंशन है ना, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें बाहर तो सब कट गया, यहाँ से मिलेगा पी के पावर क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा, और ये जो एक्सपेंशन है 1 + 1/p, ध्यान दीजिएगा 1 + 1/p के पावर हाफ है, माइनस हाफ है, ये एक्सपेंशन है, थोड़ा ध्यान रखना है बस, इसका एक्सपेंशन ये होता है, अब ये कैसे होता है, एंड मतलब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े हो तो a + x के पावर n का एक्सपेंशन क्या था, या फिर मतलब a + x पावर n का एक्सपेंशन था कि नहीं था, तो वही जो लिखते थे वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वही हम यूज करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करें, a + x के पावर n जो था वो nc0 था प्लस nc1 a मतलब a था और x पावर n माइनस, इस तरह से बनाते थे कि नहीं, वो वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, और एक्सप्रेशन याद रखिए 1 + 1/p के पावर हाफ माइनस हाफ का ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना, क्लियर है, तो इसको अगर बस यही है, बस यही आप लाप्लास इसी को जो होता है पीरियोडिक फंक्शन का, जो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं तो मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं, अगले पेज पे मैं चल रहा हूं, देखिए अगले पेज पे यहां पे देखिए p^3/2 है ना, 1/p^3/2 है ना, 1/p^3/2 कितना 3/2 है ना, और इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये 1 + मतलब इसको लिख सकते हैं p + 1/p^2 क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, देखिए वही ना है, इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, p + 1/p^-1 लिख सकते हैं, तो वही है, इसको नीचे जब लाएंगे तो ये पलट जाएगा, p^3/2 होगा, इसको p + 1 अगर कर देते हैं तो ये हाफ हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/p^3/2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ p^1/2, और अंडर रूट में p+1 डाल सकते हैं कि नहीं, ये इससे कटेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1/p, और यहाँ से रूट में p+1, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, जानते किसका आया है, लाप्लास समीकरण ERF और रूट में टी का, ERF रूट में टी का ये लाप्लास आया है, और ये बहुत शानदार रिजल्ट आया है, याद रखिएगा 1/p रूट में p+1, ये एक बढ़िया आंसर आया है, ये किसका आया है जानते हैं, ये ERF रूट में टी का आंसर आया है, क्लियर है,
याद रहेगा, बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इरर फंक्शन क्या होता है, देखिए ARFC लिखेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लिखते हैं रूट मटेरियल। इसका डिफाइन कैसे किया गया है, 1 - ERF रूट मटेरियल। और याद रहेगा अभी जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ERF का डिफिनेशन है, ये 0 to t e^-x2 dx है। तो कुछ नहीं होता, अगर मैं आपसे इसका लाप्लास पूछूंगा तो आप इसका लाप्लास कैसे बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसका लाप्लास बताइए, चलिए ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको पूछता हूँ इसका मतलब, इसका मैं प्रूव करने जा रहा हूँ लाप्लास, ठीक है, लाप्लास आप मतलब इरर फंक्शन का लाप्लास ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री ERFC, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिखूंगा ERFC रूट में टी जो था, ये जो तो लिख रहे हैं हम यहाँ से, ये जो हम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना, तो LF 1 होगा माइनस LF ERF रूट में टी होगा, यही ना लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि नहीं। इसकी जो वैल्यू अभी जस्ट मैंने आप LF1 की वैल्यू तो मैंने आप जानते हैं 1/p होता है, इसका भी आपने निकाला 1/√p+1, ये निकाला है आपने, आप इसको सॉल्व कर लीजिए 1/p, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसमें से 1/p हम कॉमन ले सकते हैं और ये चीजें हम लोग इसको LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको बहुत बढ़िया आंसर ये भी आपका आएगा अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहेंगे तो। खैर ये बस ये सॉल्व हो जाएगा, बस ये आंसर सॉल्व कर लीजिए, इसका LCM देखेंगे तो p होगा और रूट में क्या होगा p+1 होगा और ऊपर देखेंगे तो यहाँ से कटेगा तो रूट में क्या मिलेगा p+1 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा -1। तो बस इसको इतना ही रहने दीजिए, फिर इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, बस इतना ही रहने दीजिए, यही आपका आंसर होगा। इस लाप्लास का इरर फंक्शन का जो लाप्लास होगा वो यही आएगा। आप ये काम कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हैं उसी के पास, मतलब प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसी से प्लस से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर पी बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है ना। तो इतना आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। और एक इसी में देखिए फंक्शन और आया है आपका हीविसाइड, देखो इसको क्या बोलते हैं, हेविसाइड यूनिट फंक्शन जो बोल रहा है इसके बारे में बात कर रहा है, यूनिट स्टेप फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन को क्या बोलते हैं, हेविसाइड यूनिट फंक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है हेविसाइड यूनिट फंक्शन। इसका भी लाप्लास कैसे निकालेंगे, पहले देख लीजिए कैसे डिफाइन किया गया है, देखा था यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन डिनोटेड बाय ht - a, मतलब ये नोटेशन यूज किया गया है। अब आप कहेंगे कि क्यों यही यूज किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो कई सारी चीजें, जैसे हैवी साइड का पहला लेटर क्या होता है, एच होता है, इसलिए एच यूज किया गया, और t - a क्यों यूज किया गया, क्योंकि a पे कंडीशन डाल के बनाया गया है, ठीक है, ht - a डिफाइन किया गया है 0, 1, 0 और 1, 0 का बगैर जब x की वैल्यू, जब t की वैल्यू लेस देन a होगा और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन a होगा या फिर एक इक्वल होगा तो 1 होगा। जैसे मॉड एक्स डिफाइन नहीं होता, आपको याद होगा मॉड एक्स बराबर क्या होता है, जब एक्स वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है एक्स होता है और जब एक्स वैल्यू लेस देन 0 होता है तो -x होता है। तो वहां पे तो आप कभी नहीं कहते कि सर ऐसा क्यों बनाया गया, तो मॉड एक्स जो फंक्शन जब बनाया जाता है, जब मॉड एक्स जो फंक्शन जब डिजाइन किया गया है तो उस समय ये फंक्शन को बना दिया गया है, ये फंक्शन ऐसे ही काम करेगा, समझ रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये हमारा ऐसे ही काम करेगा, समझ रहे हैं, जब ये फंक्शन को बनाया गया था तब। तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मुझे अगर लाप्लास फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, आइए मैं इसी जगह इसका लाप्लास फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा LHt - a अगर बोल रहा है, t - a अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका लाप्लास आपसे पूछ रहा हूँ तो आप क्या बताएंगे, बताइए। इसका डेफिनेशन होता है 0 to ∞ होता है, एक पर क्या होता है माइनस का pt होता है और ht - a लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अब t - a की दो वैल्यू है, मतलब 0 से 1, मतलब इसको हम जो ब्रेक करना चाहते हैं, इसको ब्रेक करना चाहता हूँ t = 0 ना, तो हम 0 से 1 के बीच में हम इसको दो पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, जब 0 से हमारा a होगा, ठीक है, और एक बार माइनस का pt होगा और उस समय जब होता है ये 0 होता है और यहाँ से dt लिखेंगे प्लस यहाँ से a से हम क्या लिखेंगे, a से हम इन्फिनिटी लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे e^-pt लिखेंगे (1) लिखेंगे, यहाँ से dt लिखेंगे, सही बात है यहाँ तक। अब ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, अब यहाँ से लिखेंगे a से इन्फिनिटी और e^-pt लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे dt और इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e^-pt, ठीक है, माइनस का पी हो जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस का पी हो जाएगा, लिमिट क्या डालेंगे a से इनफिनिटी डालेंगे, क्लियर है, e^-pt /
पी लिखेंगे, क्योंकि ये होता ही है जिसको बाद उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करते हैं यहाँ से एक बार माइनस पी टी बटा पी, और यहाँ से अगर आप ध्यान से रखेंगे तो एक ही बार क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी डालेंगे, और समझ रहे हैं कि नहीं, और माइनस का डालेंगे e की पावर माइनस का एटी, मतलब ए मतलब पी मतलब एपी रखेंगे, एपी बटा क्या लिखेंगे माइनस का पी लिखेंगे, एक बार माइनस इनफिनिटी में जीरो होता है तो आप माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो एक बार माइनस एपी बाई पी हो जाएगा, e की पावर माइनस एपी बाई क्या लिखेंगे पी लिखेंगे, नीचे ला सकते हैं हैवी साइड को, अगर आप नीचे लाना चाहते हैं तो वो नीचे भी आ सकता है, e की पावर माइनस एपी बाई पी यही होता है लाप्लास एच ऑफ टी माइनस ए का, e की पावर माइनस एपी बाई पी का जो लाप्लास मतलब हेवी साइड जो यूनिट फंक्शन का जो लाप्लास होता है वो यही होता है कि पर माइनस एपी बाई पी, क्लियर रहेगा? क्या ये आपको समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या ये चीजें आपको क्लियर हो रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? आप मुझे बताइए कि इस तरह के फंक्शन को हम स्टेप, जब स्टेप वाइज फंक्शन होता है, जब फंक्शन हमारा स्टेप में होता है तो हम उसको इसी तरीके जीरो से इन्फिनिटी को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि भाई, तो उसी तरीके से मैंने इसको तोड़ा, उसको मैंने सॉल्व किया है, और ये था यूनिट स्टेप फंक्शन का ये हेवी साइड, ठीक है ना, समझ रहे हैं? और ये उसका था वो आप उसका कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर है, एरर फंक्शन जो है उसका है। अब एक हमारा एक अगला बेसिस फंक्शन है, बेसिस फंक्शन का मैंने प्रूफ नहीं कि मतलब ये मैं आपके सामने खुद लिखा हूँ और आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है बेसिस फंक्शन होता क्या है, आप जब थर्ड सेमेस्टर में थे, चूंकि आप थर्ड सेमेस्टर में भी जा ही रहे हैं तो आपको मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा आपको, फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आओ बेसिस फंक्शन आपको मिलेगा, या फिर सेकंड सेमेस्टर में तो नहीं पढ़ा होगा आपने, हाँ सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा होगा, आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे बेसिस फंक्शन क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जे एन टी होता है, ओ टी की पावर एन अपन टू एन टू गामा में एन प्लस वन वन माइनस टी स्क्वायर अपन टू इंटू टू एन प्लस वन टू, और टी की पावर फोर टू फोर टू एन प्लस टू टू एन प्लस फोर ये होता है, इसको आप समेशन में भी लिख सकते हैं, खैर उससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिस फंक्शन की जीरो ऑर्डर से मतलब है, जे जीरो टी बराबर वन होता है टी स्क्वायर बाई टू पर टी की पावर फोर टू स्क्वायर टू स्क्वायर, मतलब टी की पावर सिक्स बटा टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ये होता है, इसका जो लाप्लास होगा मुझे इससे मतलब है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? ये बना कैसे होगा, एन बराबर जीरो डाल देंगे तो यही मिल जाएगा, इसमें एन बराबर जीरो डाल के देखिए यही मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? अब इसका अगर आपको लाप्लास लेना हुआ तो हेलो सबका लाप्लास ले लेंगे, ले लिया आपने, और जीरो ऑर्डर का लाप्लास आपसे पूछता है, ठीक है, एलएफ वन क्या होता है, वन बाई पी होता है, वन बाई टू स्क्वायर, इसका करेंगे तो गामा टू बाई टू बटे पी की पावर थ्री, इसका करेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, फोर बाई पी की पावर फाइव होगा, इस तरह से लिख लेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, वन बाई पी कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा, अभी जस्ट आपने देखा था यही एक्सप्रेशन, यही वाला एक्सप्रेशन हम अभी उसमें यूज कर रहे थे, एरर फंक्शन में यही आता, देखिए वन बाई टू वन बाई पी स्क्वायर वन बाई टू वन बाई थ्री वन थ्री टू फोर वन बाई, बट वहां का वन बाई पी था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वन बाई पी स्क्वायर का पावर बनेगा वो, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ये, इसको सॉल्व करेंगे तो वन अपन अंडर रूट में वन बाई वन प्लस पी स्क्वायर आएगा, तो ये था बेसिल्स का, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, ये जो था मैंने आपको बताया, अब ये मत कहना कि भाई बस लिखा है उसको पढ़ दिया काम खत्म हो गया, अरे ये तो सिंपल था ना, इसमें कुछ था बताओ, जैसे ये था बेसिस फंक्शन जीरो ऑर्डर का है, ये जीरो ऑर्डर क्यों बोला गया, क्योंकि एन बराबर जीरो डाल देंगे तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, एन बराबर वन डालेंगे तो वन आ जाएगा, चूंकि बेसिस फंक्शन आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको लाप्लास पढ़ा रहे हैं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं भी दिया है तो ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, परेशान नहीं हो इसके लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर का ये दिया रहेगा, आपको बस ये करना है इसका लाप्लास फाइंड करना है, तो लाप्लास कैसे फाइंड करेंगे, सब प्लस माइनस में तो सबका अलग अलग ले लेंगे, और अभी अलग वन आप वन बाई पी है, मैंने आपको बताया वन बाई अलग टी स्क्वायर क्या होता है टू फैक्टोरियल बटे पी की पावर थ्री, और टी की पावर जो फोर उसका क्या होगा फोर फैक्टोरियल बटे पी की पावर फाइव होगा कि नहीं होगा, तो वही चीज तो लिखा है, फिर इसको सॉल्व कर रहा है, और ये एक्सपेंशन अभी मैंने आपको बताया वन प्लस वन बाई पी के पी स्क्वायर के पावर हाफ माइनस हाफ का एक्सपेंशन ये होता है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे पी स्क्वायर प्लस वन अपन पी ये कट जाएगा इससे, और यही फॉर्मूला आपका बचेगा यहाँ से, तो ये जो था बेसिस फंक्शन का था, और मेन आपको मुझे ये बताना है, ध्यान दीजिए ये जो पहला क्वेश्चन देखिए प्रूव दैट, देखिए l 0 t बराबर 1 अपॉन √1 में p प्लस, एक क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ये जो निकाले हैं l j 0 t ही निकाले हैं, समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करिएगा स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि यही आपको प्रूव करना था, यहां से चूंकि हम जानते हैं j 0 बराबर इतना होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, उसकी हेल्प से हमको ये करना है J0AT, क्या करना है J0, आपको चेंज ऑफ स्केल याद है,
आपको चेंज अप इसके लिए याद है, सबसे देखिए पहला हम कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, देखिए ये प्रूफ करना है, ये दिया नहीं है, ये प्रूफ करना है, तो उसका आंसर मैंने अभी जस्ट कराया है, मैंने आपको बता दिया, वहां से आप कर लीजिएगा। अब हम फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल याद है आपको, चेंज ऑफ स्केल याद है, कितने लोगों को याद है भाई, चेंज ऑफ स्केल कितने लोगों को याद है, एल एफ ऑफ ए टी जो होता है, ठीक है, मतलब ये बोलता है सिंस इफ, मतलब यदि बोल रहा है कि इफ एल एफ ऑफ टी, एल एफ ऑफ टी बराबर मान लीजिए एफ ऑफ पी दिया हुआ है, तो एल एफ ऑफ ए टी, एल एफ ऑफ ए टी जो होता है वो होता है वन बाई ए एफ ऑफ पी बाई ए, यही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, वही चीज यहाँ पे भी देखिए होगा, एल जे जीरो एटी की जो वैल्यू होगा वो वन बाई ए होगा, एफ ऑफ पी बाई ए होगा, यही होगा, ध्यान दीजिएगा, यही एफ ऑफ पी यही है, तो यहाँ पे जहां भी ए है वहां पे ए करिएगा, तो अपने से लिखिएगा वन बाई ए लिखेगा, और जहां पी है वहां पे आप क्या लिखेंगे, वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखेंगे, इसको सॉल्व करिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वन बाई ए हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट में, यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर बटे क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो वन बाई ए, और यहाँ ए बाहर निकल जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का क्या होगा पी स्क्वायर, ए से कट जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, ये जो आया है ये फर्स्ट वाले का आंसर आया है, क्या आपको ये समझ में आया, क्या ये आपको क्लियर हुआ, जल्दी से मुझे बताइए क्या ये आपको क्लियर हुआ, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मैं वही बता रहा हूँ जो वहां पे आया है, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए सेकंड वाला प्रूफ क्या करना है, टी से मल्टीप्लाई किया है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था सेकंड वाला, देखिए टी से मल्टीप्लाई किया है किसमें, तो जब एक बार मल्टीप्लाई करेगा तो उसी से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो सेकंड वाला का प्रूफ करेंगे, सेकंड वाला टी से मल्टीप्लाई कर रहा है एल, ठीक है, जे जीरो एटी जो होता है आप देख सकते हैं माइनस अपने से डालेंगे डीडीपी डालेंगे और वन अपॉन अंडर रूट में वन प्लस पी मतलब ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डालेंगे, यही ना भाई, ए स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर यही करेंगे बस, यही ना भाई, टी से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, टी से मल्टीप्लाई अगर करता है तो हम क्या करते हैं खुद ही बताइए, जितनी बार टी से मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार हम माइनस डाल के हम क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे करेंगे, यही ना रूल होता है, यहाँ से देखिए माइनस डाला है मैंने बस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये कैसे होगा बताइए, इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के पावर में क्या लिखूंगा, अब माइनस हाफ लिखूंगा, माइनस हाफ को आगे कर दो, माइनस वन था माइनस हाफ आगे आ जाएगा, जितना है उसमें हम एक और घटा देंगे, तो एक और मैंने घटा दिया कि नहीं घटा दिया ना, और इनटू मैं लिखूंगा डीपी, तो यहाँ से इसका प्लस पी स्क्वायर कितना होता है टू पी हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए दो से दो कट जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो पी बटा क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के पावर कितना लिखेंगे थ्री बाई टू लिखेंगे, और यही इसका आंसर होगा, पी बटा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, समझ रहे हैं, पी बटा क्या मिलेगा ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, ये सेकेंड वाले का आंसर हो गया। तीसरा वाला का आंसर देखिए क्या बोला है, ई के पावर क्या बोला है एक बार माइनस का आई मतलब एक बार माइनस का एटी, ठीक है जे जीरो एटी, तो आप लिख सकते हैं जो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं एक बार माइनस एटी है, और यहां से क्या था जे जीरो क्या था एटी था ना भाई, तो जितना है उसमें पी की जगह पे क्या करेंगे एफ ऑफ पी प्लस ए ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा पी प्लस ए, और आपको याद है जे जीरो टी बराबर क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो उसके जगह पे क्या डालेंगे वन अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस पी की जगह पे क्या डालेंगे पी प्लस ए का होल स्क्वायर हम डाल देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, फिर क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का टू ए पी मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था वैसे, मेरे ख्याल से बस उतना ही लिख देने से काम हो जाएगा, वो और भी अच्छा लग रहा है, खैर अगर नहीं लग रहा है तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं बताइए वन अपॉन अंडर रूट में क्या लिखूंगा
आप लिख सकते हैं 2a² लिख सकते हैं, प्लस का p² प्लस का 2ap लिख सकते हैं, यही इसका आंसर आएगा। ये किसका आंसर आया है? थर्ड का आंसर आया है। और एक लास्ट है आपको फोर्थ वाला, 0 to infinity j0t dt बोला, देखिए j0t बोला है, इसके पहले 1 आना, तो फोर्थ वाला देखिएगा j0t की वैल्यू 1/√mod p² है, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो L निकालेंगे हम, L आपको ध्यान दीजिएगा, सेंस ये फोर्थ वाला मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, L J0T का जो वैल्यू है वो आप जानते हैं, अभी जस्ट आपने जो प्रूव किया था 1/√ में 1+p², देखिए यही ना आपने प्रूव किया था, 1/√ में 1+p² ये आपने प्रूव किया था, 1+p² आपने प्रूव किया था, ये प्रूव किया था। अब इसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है, 0 to infinity होता है, e^-का क्या होता है, pt होता है, और क्या लिखेंगे, j0t लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 1/√ में 1+p², ये एक्चुअली में डेफिनेशन मैंने इसका यूज किया है, ठीक है। और चूंकि आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना, ध्यान दीजिए, आपको जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे e है ही नहीं, तो e नहीं है तो आप क्या लेंगे, खुद बताइए, जब e है ही नहीं तो taking p is equal to 0 लेंगे कि नहीं, बताइए taking p is equal to 0 लेंगे कि नहीं, जब 0 लेंगे तो क्या लेंगे, 0 to infinity, यहाँ 0 हो जाएगा, j0t लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, dt, यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√ में 1+0 लिखेंगे, फाइनली कितना लिखेंगे, 1, और यही देखिए आपका RHS है, ये है आपका प्रूफ हो गया। कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, कितना अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको कितना बढ़िया समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। जितनी भी मैंने आपको बातें बताया वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बस इस पे आपको करना कुछ नहीं है, इसमें जितनी भी टॉपिक थी सारी टॉपिक मतलब एक एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया, एक एक टॉपिक पे मैंने आपको काम किया है, एक एक टॉपिक मैंने आपको समझाया है, और एक एक टॉपिक पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, और आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है और जुड़ के अपने सेशन को कंप्लीट करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। और इसमें मैं आपको इतना बताना चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इतना रुपए का पेमेंट करिए और इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, ठीक है। जो बच्चे उनको पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो ग्रेजुएशन की जितनी भी टॉपिक है वो सारी टॉपिक मैं आपको इसी तरीके से सब सिंपल मेथड्स में आपको बताऊंगा। फिजिक्स भी आपको मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, मैथ्स हम खुद ही पढ़ा रहे हैं, इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कुल मिलाजुला के बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है, आपको बस जुड़ना है। और अगर मुझे देख रहे हैं तो अगर आप वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर जरूर से क्या करिए कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और उसके सामने कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई बच्चे ढंग से करते नहीं है, लास्ट मोमेंट पे आएंगे इसी तरीके से मैथमेटिक्स का वैसे एग्जाम दे देंगे, वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। आप ग्रेजुएशन में जो भी सिलेबस है उस सिलेबस पे काम करिए, उसकी चीजों को एक एक पॉइंट को समझिए, ठीक है। और मैं उसमें इसी पे काम कर रहा हूँ, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और भी बातें आपको समझाएंगे और भी बातें आपको एक्सप्लेन करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये इस तरीके से पढ़ाने का तरीका, मुझे जरूर बताइएगा। कोई अगर आपको ऐसा वीक पॉइंट अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताइए कि क्या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं बच्चे।